अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टेंजलाउट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और एक क्वेश्चन किया है कामरान ने, और वो पूछना चाह रहे हैं कि सर्दियां आने वाली हैं तो एक तो ये कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए लॉफ्ट का, और दूसरी बात ये कि क्या लॉफ्ट कवर होना चाहिए या खुला होना चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस में वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा इख्तसार से इस पर हम बात करते हैं। जहाँ तक दर्जा हरारत की बात है तो वो 10 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ के जो लॉफ्ट हैं सर्दियों के अंदर टेम्परेचर रेंज में पता लग गई है तो हम थर्मामीटर लगा के भी चेक कर सकते हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, 10 से काफ़ी नीचे होता है ज़्यादातर जगह पे पाकिस्तान में। सो कवर करना चाहिए। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये कि हमारे ज़्यादातर लॉफ्ट की कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, और उसकी वजह से जब हम कवर करते हैं तो बाज का दूसरे मसाइल निकलने लग जाते हैं, तो उसका कवर करने से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता बल्कि हमारी मैनेजमेंट से और लॉफ्ट से ताल्लुक होता है उसका। और वो क्या होते हैं, ज़्यादातर उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं या वो नज़ला ज़ुकाम के शिकार होते हैं, कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ इसकी वजह से नहीं आती। मैंने कुछ सुना लोगों से कि जी हमने डांपने शुरू किया हमारे कबूतर मरने लग गए, ऐसी कोई साइंस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम ढांप रहे हैं तो ढांपने का मतलब ये है कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाए उस पिंजरे के पिंजरे का, ये नहीं है कि 100% बंद कर दिया जाए। तो हमने ऐसा टेम्परेचर रखना है जो, यानी कि वैसे तो आइडियल होता है 16 से 18 में बर्ड को अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। सो हमें क्या करना होता है कि हम बिल्कुल बंद रखते हैं, जैसे अगर आप मेरे लॉफ्ट देखेंगे तो वो चारों तरफ से बंद है, लेकिन उसमें बॉटम से थोड़ी सी कैपेसिटी है हवा के आने की और छत के ऊपर कैपेसिटी है, डायरेक्ट मेरे बर्ड के ऊपर कभी हवा नहीं लगती है। और ये याद रखिएगा, जब हम कवर करते हैं तो हमें विंड सर्कुलेशन चाहिए होती है, लेकिन इतनी नहीं कि अगर आप लॉक में खड़े हों तो आपको हवा चलती महसूस हो, इतनी होनी चाहिए कि वो उसकी तबखीर उठे तो वो निकल जाए। दूसरी चीज़ ये कि अपने जो लॉफ्ट हैं और दूसरे तीसरे दिन साफ़ करें, ख़ास तौर पर जब सर्दी में आप कवरिंग शुरू करते हैं, ताकि जो अमोनिया गैस है वह ज़्यादा ना, और वो तब होती कि बिल्कुल चौक हो जाता है। ये बात याद रखें कि बर्ड को जब भी सडन टेम्परेचर एक्सपोजर होगा, चाहे कम होने की सूरत में चाहे ज़्यादा होने की सूरत में, वो बीमार होगा। और सर्दियों में भी और गर्मियों में भी अगर बहुत ज़्यादा हवा लग रही है तो आपका बर्ड बीमार बहुत ज़्यादा रहेगा, ये गलत लॉफ्ट होता है। वैसे मैं देखता हूँ कि क्योंकि हम वेंटिलेशन पर बात करते हैं ना, तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि एक तो उनके आगे अमूमी तौर पर मैंने देखा कि तीन तरफ दीवार होती है, सामने एक जाली लगी होती है, बस ये पिंजरा है, तो फ्रंट पूरा एक्सपोज्ड। इसका मतलब है कि जो बाहर के टेम्परेचर है वही अंदर का है, बाहर अगर हवा चलेगी तो सब के ऊपर ही हवा लगेगी। अब दिन और रात के टेम्परेचर से फर्क हो जाता है, और कुछ तो ये करते हैं कि वेंटिलेशन का सुन के वो पीछे भी खिड़कियां बना देते हैं, यानी कि हर वक्त आपके केज का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और हर वक्त हवा ही हवा अंदर होती है। ऐसा लॉक बीमारियों का घर होता है। आपने वाइजली डिसीजन करना है कि टॉप और बॉटम के ऊपर से किस तरह से आप सर्कुलेट करवा के अपने लॉक के हिसाब से इस विंड को मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। सो टेम्परेचर 10 से कम ना हो, 30 से ज़्यादा ना हो, आइडियल 16 से 18 है। आपके जो लॉफ्ट हैं बिल्कुल बंद होने चाहिए, टॉप टू बॉटम उनकी कोई वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वेंटिलेशन का ये मतलब नहीं है कि वो खुले हों या डायरेक्ट उनकी छातियों के ऊपर उनके ऊपर हवा पड़े, ऐसी होनी चाहिए कि हवा का एक रास्ता बन जाए, एक तो अमोनिया गैस ना हो और दूसरा ये
के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। तीसरी चीज़ ये कि ये जब हम कवर करते हैं किसी भी सूरत से और एयर पैसेज भी बना देते हैं, तो अगली चीज़ आ जाती है कि अगर आप उनके फर्श साफ नहीं रखेंगे तो उससे उनके फैदर्स उड़ते हैं, डस्ट उड़ती है और वो उनकी आंखों में लगती है या रेस्पिरेटरी आंखों की इन्फेक्शन होती है। तो उसके लिए या तो नीचे कोई फ्लोर डालें, चाहे प्लास्टिक का चाहे वुडन का, ताकि उसकी वेस्ट नीचे चली जाए और वो हवा उसके ऊपर डायरेक्ट लगने से उड़ ना सके, या फिर अपने लॉफ्ट एक एक इंच ऊपर कर लें ताकि जब वो अपना उड़ते हैं हवा होती है तो हवा उसको नीचे से लेकर सारे कचरे को बाहर चली जाती है, तो वो जो छोटे फैदर होते हैं वो फिर वहाँ पे मौजूद नहीं होते। सो होपफुली कामरान, उम्मीद है कि आपके एक क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तनवीर फ्रॉम टेंजलॉक।